नमस्कार, स्वागत है आप सबका कंचन टीवी पर। कंचन टीवी की टीम जैसे पानीपत में पहुंची और यहां पर जो पानीपत ग्रामीण के विधायक हैं महिपाल डांडा जी, उनका जन्मदिन है। नए साल के उपलक्ष्य पर जन्मदिन का कार्यक्रम सोने पे सुहागा है और हमारे साथ बात करने के लिए यहां पर मौजूद है खुद महिपाल डांडा जी की जो धर्म पत्नी है नीलम डांडा जी, वो है। हम उनसे बात करते हैं। मैम स्वागत है आपका कंचन टीवी पर। थैंक यू, हैप्पी न्यू ईयर। सेम टू यू मैम। थैंक यू मैम। नए साल का वैसे तो अपने आप में एक बहुत बड़ा जश्न होता है, लेकिन उस दिन अगर जन्मदिन भी हो अपने हस्बैंड का, विधायक हैं जो नुमाइंदे हैं एक जनता के, तो कैसा महसूस होता है उस दिन? बहुत अच्छा महसूस होता है इस दिन। देखिए, सब लोग नए साल के साथ साथ इनका जन्मदिन भी मनाने आते हैं, तो डबल बधाइयां सबको। हजारों की संख्या में आज लोग पहुंचे हैं, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है। हम चाहते हैं संख्या हजारों से होके लाखों तक पहुंच जाए। जी बिल्कुल। तो चाहते हैं कि जैसे कद उनका बढ़ रहा है, अभी जैसे फिलहाल बात भी चली थी कि महिपाल डांडा जी को मंत्रिमंडल मिल सकता है, मंत्री हो सकते हैं, इसके बारे क्या सोचते हैं? जी देखो, ये तो सब परमात्मा के हाथ में है, बाकी अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए जो ये कर रहे हैं। जनता इनको प्यार देती है, फिर से चुनकर इनको लाया गया है, क्या क्या कारण मानते हैं जो जनता ने इनको रिपीट किया है? ये जनता नहीं है, हमारा परिवार है और हम सब लोगों को अपने परिवार की तरह ही देखते हैं, तो ये लोगों का प्यार है जो दोबारा इनको वो कर रहे हैं। बहुत बड़ा आपका विधानसभा क्षेत्र होता है, बहुत सारी उम्मीदें होती हैं लोगों को, क्या हर उम्मीद को पूरा कर सकते हैं एक विधायक? जी हम भी यही चाहते हैं, हम भी आम जनता के बीच में ही आते हैं और यही चाहते हैं कि हर लोगों की हर ख्वाहिश पूरी की जाए। तकरीबन आपके द्वारे जो भी आता है तो वहाँ से वो खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसा सुनने में आया है? नहीं, द्वारा ये देखो जी, द्वार तो नहीं है, ये जनता का सबका घर है और मोस्ट वेलकम है सबकी, किसी टाइम आए। जैसे अभी मेरी विधायक जी से बात चल रही थी तो वो कह रहे थे कि नए साल पर जन्मदिन के उपलक्ष में हर बार एक कार्यक्रम होता है, बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है, तो क्या जनता से कनेक्टिविटी के तौर पे ये कार्यक्रम देखा जाना चाहिए या एक सिर्फ एक जन्मदिन की पार्टी के तौर पे देखा जाना चाहिए? जनता हमारा परिवार है तो हम चाहते हैं साल में एक बार या दो बार इन सबसे मिलना हो जाए, तो ये सबसे अच्छी बात है हमारे लिए। नए साल है, नई उम्मीदें हैं लोगों को, तो कौन से ऐसे कार्य हैं, विकास कार्य, आप भी महिला हैं, महिलाएं आपसे भी मिलती होंगी, वो विधायक जी के पास सीधे ना जा सके तो आपसे भी कहती हूँ, महिलाएं क्या चाहती हैं पानीपत ग्रामीण की, महिलाएं कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनको वो चाहती हैं कि होने चाहिए इस बार? देखो, महिलाओं की तो यही पानी की और गलियों की ही समस्या है, तो ये ऑलमोस्ट कोशिश है कि इस प्लान में सब कंप्लीट हो जाए। महिलाएं कहती हैं कि गांव से ठेके बाहर होने चाहिए, क्या सही कदम मानती है सरकार का? जी मैं बिल्कुल सही कदम मानती हूँ, होने चाहिए, गांव में तो होना ही चाहिए। तो क्या आप विधायक जी से बोलेंगे कि अपने विधानसभा क्षेत्र में वो ठेकों को बाहर निकालें? बिल्कुल। आप पर्सनली बोलना चाहेंगे? जी मैं पर्सनली बोलना चाहूंगी। जी अब मैं चाहूंगा कंचन टीवी के माध्यम से विधायक जी को आप अपने जन्मदिन की शुभकामनाएं दीजिए। जी ये तो आप लोग दीजिए प्लीज, मैं तो दे चुकी हूँ। तो हमारी जो हमारे दर्शक हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कंचन टीवी के दर्शक? जी मेरी तरफ से सबको नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं, सबका साल बड़े अच्छे से गुजरे, हंसी खुशी गुजरे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद धन्ना जी। जी थैंक यू। तो ये नीलम डांडा जी विधायक महिपाल डांडा जी की धर्म पत्नी है और कहती हैं कि वो हर साल ऐसा जलसा करते हैं और महिलाएं उनसे मिलती रहती हैं, वो बहुत सारी समस्याएं लेकर आती है और वो भी विधायक जी के पास उन समस्याओं को रखती है ताकि विधायक जी उन पर विचार कर सके, उन समस्याओं को दूर कर सके और जनता को वो सुकून दे सके। और इसी में नीलम जी का भी काफ़ी वक्त चला जाता है और आज भी हम देख रहे हैं कार्यक्रम में वो महिलाओं से लगातार मिल रही हैं, सबके साथ स्नेह से प्यार से, और एक कनेक्टिविटी उनका दिखता है कि कितना उनका जुड़ाव है अपने अपने क्षेत्र के लोगों के साथ, जनता के साथ, खासकर महिलाओं के साथ। तो ऐसा ही हमने विधायक जी के बारे सुना था और ऐसा ही उनकी पत्नी के बारे हमने देख भी लिया। अच्छा लगता है, जमीन से जुड़े हुए विधायक है और इसी करके फिर से जनता ने उनको चुना है। इस बार मंत्री बनने की भी उनकी उम्मीद की जा रही थी, वो अभी तक तो पूरी नहीं हुई, हो सकता है कि अगले कैबिनेट विस्तार में शायद महिपाल डांडा को मंत्री पद मिल जाए। तो तब तक के लिए आप बने रहिएगा कंचन टीवी के साथ, कैमरामैन सहयोगी संदीप बहुत के साथ, मैं यशपाल कंचन।